करूंगा आप लोग गौर से देखना है, ट्रिक पकड़ना होगा, ठीक है? तो आप सभी लोगों को बहुत ही गौर से देख के हमारे ट्रिक को पकड़ना है। मेरे दोनों हाथ बिल्कुल खाली खाली है ना? नहीं अभी खाली नहीं, एक हाथ में माइक है और एक हाथ बिल्कुल खाली है। मेरे पास एक पेपर, ठीक, आप लोग सभी लोग बताए कितना पेपर है? तो देखिए ये भी एक जादू है, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मगर मेरे पास एक पेपर है, ठीक है? और अब मैं बोलूंगा एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। और अब मैं करने वाला दूसरा मैजिक, मेरे पास एक बॉक्स है जिसका नाम रखा है 420 बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर कुछ छुपा के रखा है, आप सभी लोग बहुत ही गौर से देखिएगा, उसका ट्रिक पकड़िएगा जरूर, ठीक है? तो सभी लोग गौर से देखिएगा मेरे पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या छुपा के रखा है। 2 और 3, आप लोग ट्रिक नहीं पकड़ पा रहे, मेरे पास 3 है, 1, 2 और 3। मैंने इनके ऊट पटांग नाम रखे हैं, आप लोगों को बातों में उलझाऊंगा उतनी देर में चालाकी हो जाएगी, पर आप लोगों को बातों में नहीं उलझना है, बहुत ही गौर से देखना है। 1, 2 और 3, मैंने इनके जो नाम रखे हैं, देखिएगा इसका ट्रिक आप लोगों को पकड़ना है, आप लोग बताइएगा जरूर। मैं फोल्ड करूंगा, फोल्ड करने के बाद जिस बॉक्स से निकाले उसी बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है? 1, 2, 3, थोड़ा सा म्यूजिक करेंगे। कट कर देता हूं यहां से, अब ये 2 हो गया, एक टुकड़ा में भी एक रस्सी का टुकड़ा मेरे पास है, ठीक है? आप लोगों को रस्सी काटना तो आता होगा ना, आपको आता है रस्सी काटना? आता है आपको? आपको आता है? आपको नहीं आता ना? अच्छा, आप आ जाओ मेरे पास, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग, इसको आप पकड़ लीजिए। अभी कितना रस्सी है मेरे पास? 1 रस्सी है। आपने चेक कर लिया है कोई रबर प्लास्टिक नहीं है? सभी लोगों ने चेक कर लिया है ना, ठीक है? तो अभी मेरे पास 1 रस्सी है। अगर मैं बोलूं आपके पास जादू की छड़ी है और आप इस जादू की छड़ी से इस रस्सी को 2 करना है, तो आप कैसे करेंगे? जादू की छड़ी से काट दिया आपने, काटना नहीं था, आपके पास जादू की छड़ी थी, इसे छू मंत्र घुमा देते 2 हो जाता, कोई बात नहीं, ये आपने काट दिया है, कितना हो गया रस्सी? 2। मेरे पास 2 रस्सी के टुकड़े हो गए हैं, अभी ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा है, मैं इसको बिल्कुल बराबर सेम टू सेम कट कर देता हूं, ठीक है? ऊपर से बिल्कुल बराबर सेम टू सेम है, नीचे से छोटा बड़ा है, नीचे से आपको बिल्कुल बराबर सेम टू सेम काटना। 1 मिनट, आपका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष भाई, इसको आप बिल्कुल बराबर सेम टू सेम कट कर दीजिए। 1, 2 और 3। और ये आशुतोष भाई ने रस्सी के टुकड़े को बिल्कुल बराबर, भाई छोटा बड़ा कर दिया है आपने, मजाक मत करिए, इसको बराबर से काटना है, बिल्कुल बराबर से काटना है, बिल्कुल बराबर और सेम टू सेम आपको काटना है, सबको दिखा के काटिए आप, अब काटिए। 1, 2 और 3। और भाई साहब ने फिर छोटा बड़ा, आपको आता है काटना? आप आते ये। आपका नाम क्या है? पकड़िए आप इसको, ठीक है? इसको खींच के देखिए, पहले खींच के देखिए, ऐसे बढ़ता तो नहीं है। चलिए अब आप इस रस्सी को पकड़िए और रस्सी के टुकड़े को आप यहां से कट करिए, यहां से और यहां से। अब देखिए मेरे पास रस्सी के 3 टुकड़े हो गए बिल्कुल बराबर और सेम टू सेम। कितना रस्सी है? 3, बिल्कुल बराबर और सेम टू सेम, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है,
ठीक है तो आप सभी लोग देख सकते हो कितना रस्सी है तीन बिल्कुल बराबर सेम टू सेम आपको बुलाएंगे आप आ जाओ मेरे पास एक बार चीजें सबको दिखा दो ऐसे सभी लोगों को दिखा दो ऐसे ऐसे दिखाओ हाँ ठीक है एक दो और एक तीन रस्सी के टुकड़े बिल्कुल बराबर और सेम टू सेम है मैं आपको ये तीन रस्सी के टुकड़े दूंगा आपके हाथ पे ठीक है और बिल्कुल बराबर सेम टू सेम है गौर से आप लोग देखिएगा वन टू थ्री ये जो बिल्कुल बराबर सेम टू सेम है ये मैं आपको देता हूँ ये अपने हाथ में रख लीजिए हाथ को ऊपर करिए हाथ को ऐसे वन टू थ्री इनके पास कितना रस्सी है तीन बिल्कुल बराबर सेम टू सेम है ना एक बार आप लोग जोरदार क्लैपिंग कर दो वेरी गुड और आप मुझे वापस करिएगा और इन्होंने ये तीन रस्सी के टुकड़े बिल्कुल बराबर सेम टू सेम मुझे वापस कर दिए वन या पकड़िए और टू ये कौन है रस्सी का पापा कहाँ से आ गया इतना बड़ा और ये रस्सी का बच्चा भी है थ्री अरे वाह ये कैसे हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया ये बिल्कुल बराबर सेम टू सेम मैंने दिया थी छोटे बड़े कर दिया आपने एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इस मैच के लिए मैंने बोला था कि आपके देखते देखते गायब हो जाएगी वो देखिए चली गई वो भाई गायब हो गई अच्छा लगा तो एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए मैच के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आप लोग ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग वहां अच्छा लगा ये तीन लकड़ी के गुटके हैं मैंने एक रस्सी के अंदर इनको कैद कर दिया है ठीक है और ये निकल नहीं सकते हैं अगर निकालेंगे तो निकलेंगे अगर मुझे एक और मैजिक करना है इसके लिए मैं दो लोगों को बुलाऊंगा आप लोग आ जाओ आप एक काम करिए इस रस्सी के टुकड़े को आप इधर से पकड़ लीजिए और इसको आप इधर से तरीके से खींचना नहीं है ट्राई नहीं करना है मैं आपसे एक रस्सी का टुकड़ा आप हमें दे दीजिए ये वाला आप पकड़िए और एक आप दे दीजिए ठीक है और आप सभी लोगों को बहुत ही गौर से देखना है मैजिक मैं इसमें एक गिठा लगा देता हूँ अच्छा जो जादूगर भुटनी हुआ करते थे उनको लोग बांध देते थे इस तरीके से तो उन्हीं का ये मैजिक है और वो बाहर निकल आते थे तो आप लोग देखिएगा बहुत ही गौर से ये लकड़ी के जो तीन गुटके हैं मैंने इनको रस्सियों में बांध दिया है अब ये निकल सकते हैं नहीं निकलेंगे अगर निकलेंगे तो या तो रस्सी टूटेगी या फिर ये लकड़ी के गुटके टूटेंगे सही है ना तो मैजिक नहीं होगा मजा नहीं आएगा रस्सी टूट जाएगी तो कोई जादू नहीं है या ये गुटके टूट जाएंगे तो कोई जादू नहीं जादू सब होगा कि रस्सी भी ना हमारी टूटे और ये गुटके भी ना और निकल जाए ठीक है तो मैं वही मैजिक करने वाला हूँ आप लोग बहुत ही गौर से देखिएगा और समझिएगा म्यूजिक के साथ स्टार्ट करेंगे म्यूजिक एंड मैजिक वन टू थ्री बोलिए Thank you.
चेक कर सकते हो।